वी भी क्या कर रहा है, आपने मुझे बताया ऑसिलेट कर रही है ना, एक्चुअली वी ऑसिलेट कर रही है प्लस ओमेगा ए, वी ऑसिलेटिंग बिटवीन प्लस ओमेगा ए एंड माइनस ओमेगा ए, यस और नो? एक्स वाज ऑसिलेटिंग बिटवीन ए एंड माइनस ए, तो एक्स था, मैं यहां पर रफ वो कर देता हूं, प्लस ए और माइनस ए के बीच में, इसी बात है राइट। अच्छा थोड़ा सा ना, तो क्या मुझे बताना, अब ना आप बोर्ड में देखो सारे बच्चे, इनको दो मैथमेटिकल फंक्शन मान लो, एक एक्स है विच इज फंक्शन ऑफ साइन, v which is also a function of cos, इन दोनों के फेज सेम है या डिफरेंट है? सेम है, एंगल तो सेम ही है, हाँ, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। तो मतलब अगर मैं इनका फेज का कंपैरिजन करना हो, एक को मैंने साइन में रखा हो, एक को कॉस में रखा हो, तो कंपैरिजन जायज नहीं होगा। जायज का मतलब है कि दैट इज, इससे पता नहीं चलेगा क्या साइन और कॉस फंडामेंटली सेम फेज में होते हैं, साइन और कॉस फंडामेंटली सेम फेज में है, साइन और कॉस फंडामेंटली सेम फेज में नहीं है, कि साइन जब प्लस वन होता है तो कॉस प्लस वन तो नहीं होता, मैं ये आपको मैथ में पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो साइन से मतलब साइन और कॉस फंक्शन फंडामेंटली दे आर नॉट इन सेम फेज। अगर मेरा दिल कर रहा था मैं इसके फेज का कंपेरिजन करूँ और इसके फेज का कंपेरिजन करूँ, पहले उनकी शक्लें तो सेम करूँ, यानी कि अगर मैंने इसको साइन फंक्शन किया और साइन फंक्शन रखा हुआ है तो इसको मैं किसमें कन्वर्ट करने लगा, मैं साइन में कन्वर्ट करने लगा, अतः मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छा बन गए देंगे, फिर सेम करके साइन साइन फिर अंदर वाली चीज अलग हो जाएगी, उसे बदल देंगे। तो लेट मी राइट वी को क्या लिखता हूं, सोचो ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। सर अगर कॉस में भी ग्राफ बनाते तब भी तो हम बनाए, ग्राफ तो बनाएंगे अभी, मैं फेज या मैथमेटिकल बताने के लिए कुछ करो, साइन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, कंपेयर ग्राफ बनाने के लिए कर रहे हैं, देखो वैसे कर रहे हैं मैथ के थ्रू, इनको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है समझ ना, इनके फेसेस को वो तो हमें पता ही है कि 90 डिग्री का फर्क होता है, कि दैट इज वो जो जो काम पहले होता है वो 90 बाद में होता है, यस सर, लेकिन यहां पे इसको आगे किसी बात नहीं करनी है। अब बात करो, चलो अब इसकी इक्वेशन है साइन की एक्स की, दोनों सिमिलर से आ रही है, वो भी साइन फंक्शन और वो भी साइन फंक्शन है, लेकिन दोनों के फेज सेम है या आगे पीछे हैं? आगे पीछे है, किसका फेज आगे है किसका फेज पीछे है? इसका फेज आगे है 90 को, हम बोलेंगे दैट इज वी अंग्रेजी में लीड्स एक्स बाय व्हाट बाय एन एस एच एम लिख लो बेटा, का और एक्स लैग्स वी फ्रॉम वी बाय अब आ जाओ एक्सेलरेशन के पास, कहने को चलो आ जाओ पहुंचो पहुंचो सर, ठीक है सर, लेकिन कहने को वो भी साइन ओमेगा टी है, वो भी साइन ओमेगा टी है, लेकिन लेकिन थोड़ा फर्क है इसके अंदर माइनस साइन का भी है, तो इसलिए इसको ठीक करना पड़ेगा, गणेश जी कह दिया लेट अस साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो जिनको ट्रिक कम आती है वो रिवर्स चल के देख लेंगे कि जरा इसको अगर उल्टा करके देखें पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा उसमें साइन माइनस होता है, तो एक्चुअली हमने क्या किया माइनस को अब्सॉर्ब किया, क्या किया माइनस को अब्सॉर्ब किया। अच्छा यहाँ पे इसको वन लिख देते हैं, वन और टू को देख के हमने बताया था ना, तो अब आप ये देख लो बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, अगर मैं x और a की बात करता हूँ तो इसका फेस कितना आ गया उससे पाई से ना, और इससे देखता हूँ तो पाई बाय टू से, ये मैथ की बात है मैथमेटिकल बात है, क्या लिखूं बताओ, a लीड्स v बाय पाई बाय टू, और वो मिटा दिया मैंने जो मिट गया उसको लिया, लैग वन लिखेंगे एंड ए आल्सो लैग लीड्स एक्स लैग ना, मैं सीधा भी कर दूं दोनों को बस बाय बाय लैग वन छोड़ दिया मैंने, अंडरस्टूड है? यस सर, एक्स वाला मिट गया ना जैसे वहां किलो मेगा टी था यहां बाय, अब तो नाउ से का सर साइन मैंने को भी कॉस
सिमिलर होना है। साइन वाला हमें थोड़ा सुंदर लगता है, इजी मतलब कि स्टार्ट से होता है, कंपैरिजन थोड़े से इजी होते हैं। और कुछ कर दिया अगर तो करण मात्र होना तो फिर तो एक ही उपलब्ध बना लेते हैं, उससे बड़ा सुंदर लेकिन अभी फिलहाल ये भी और ये तो लेकिन आगे पीछे करेगा और ए भी बेचारा ऑसिलेट करेगा। ओमेगा स्क्वायर रहेगा या पूरी लाइन ना भी लगाओ बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बड़ा 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 सा ना तो मेरे से वो पर ये सिर्फ इतनी सी बात है कि ये मुझे ये टाइम टी बाय फोर चाहिए था, ये टाइम टी बाय टू चाहिए था, तो ये डॉट्स मैंने बना लिया, मतलब है कि मैंने इसका रेफरेंस देना है यहाँ पे ना, बना लिया तो कोई नुकसान नहीं है, कोई गोली चल गई 3t/4 और ये कितना है टी, ताकि मुझे सामने याद रहे देखो ये टी बाय फोर, ये भी कौन है सर। अब सर हमसे मैंने आपसे वो जो बात पूछी थी सर, वैसे तो हमने ये किया है, ये कॉस का ग्राफ है वो साइन का ग्राफ है, वही सर। तो फिर सर ये हमने इसको साइन मैथमेटिकली कंपेयर करने के लिए वैसे ये बताने के लिए, ये पता ये पाई से लैग कर रहा है या पर हां ठीक है समझ में आ गया। यस सर अब मैं पूछा पूछा करता हूं, मैं मजाक करता हूं, आपने मुझसे नहीं पूछा किससे पूछोगे, मुझे तो पूछिए फंडामेंटल्स का ऐड कर दिया तुमने कि नहीं वेरीफाई कर सकते उसको, ये तो बना ही दिया हुआ मैंने, कॉस का भी बनाया बना रखी कॉस वाला मैंने बेसिकली, वेलोसिटी कौन है कॉस का फंक्शन है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, एक्स क्या है ए साइन ओमेगा टी, पर ए क्या था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन, मतलब साइन का उल्टा ग्राफ, ये तो मैंने साइन का माइनस को माइनस कर दिया, उसको बिल्कुल साइन का ग्राफ है, उल्टा दिया मैंने उसका ग्राफ, ठीक है। आप चेक नहीं कर सकते हो टी, आप और कम नहीं कर सकते हो टी जीरो पे कितनी वैल्यू है बारे में, अपने आप कर सकते हो टी जीरो पे चेक करो फिर टी बाय फोर पे चेक करो, अपने आप आ जाइए, कुछ बातें याद ही करनी है आपने, राइट एक ना, हाँ नहीं कोई बात नहीं है, बल्कि इसको समझना, इसमें बात आपको एक बड़ी जरूरी बात समझा रही मैंने इसमें आपको, ग्राफ में जो गलती लगती है ना लैग, और अगर ये तीनों ग्राफ एक ही जगह बनाता हूँ मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ध्यान से देना, ये ग्राफ किसका है इसके लिए एक्स के लिए ना, मैं बी का ग्राफ ये लेके आ रहा हूँ, ध्यान रखना ये भी लेके आ रहा हूँ सामने रखने के लिए, बोर्ड आप मत बनाना, आप इस पे आप उसको ग्राफ मत करना, मैं जो करने लगा हूँ ध्यान से देखो, बी का ग्राफ मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं, और ऐसे सिर्फ
क्योंकि उसके उसकी बाउंड्री सेम बोर्ड में देखते हुए आप उसकी बाउंड्री सेम नहीं होगी। ये छोटा जो बनाया मैंने मान लो ओमेगा ए ड्रिवला ए के बराबर होगा छोटा जो बड़ा कुछ भी हो सकता है मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। मेन मतलब पता है कि इसको दोनों को देखे ना अगर इधर टी लिखा हुआ है राइट इधर टी लिखा हुआ है टी है तो वैसे आपसे पूछे ना कोई इन दोनों में से कौन आगे कौन पीछे है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है क्या लगेगा आपको ड्राइंग क्या कह रहे हैं सर वो तो हाँ ड्राइंग से वैसे ही बंदे ना जो गलत फहमी करते हैं बच्चे जिनको जिनका बेस क्लियर नहीं होता उन्हें पूछे एक्स और बी में तो उन्हें लगता है ऐसे एक्स आगे है बी पीछे है देखने में मैं रॉन्ग थिंकिंग बता रहा हूँ ऐसे नहीं सोचना आपने कुछ भी यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रहे जितना जा नहीं रहा था ये कोई उनकी अपनी कार लेकर नहीं जा रहा है इसमें मैं डेट के बात करूंगा बाद में अभी सिर्फ कई बार छोटी सी बात करनी जरूरी होती है कई बार थोड़ी सी बात इधर आओ फेज फेज ओमेगा टी को बोला होगा ना और आपने मेरी खातिर मान लिया था कि सर आपने बोला तो चलो थोड़ी देर के लिए टू बाय टी कर ना तो टी बाय फोर बार फेज देखना कितना चेंज हो रहा है क्या कह रहा हूँ मैं टी बाय फोर टाइम हो जाए तो फेज कितना होगा इसका मतलब इन दोनों में है ना कितना फेज डिफरेंस है दो पॉइंट्स में पाई बाय टू यानी कि वेलोसिटी अभी मैक्सिमम हो गई है और डिस्प्लेसमेंट उसके थोड़ी पाई बाय टू बाद मैक्सिमम पाई बाय टू फेज बाद टी बाय फोर टाइम पर मैक्सिमम हुई है हेंस वी रीड्स एक्स कल को आपको फंक्शन नहीं दिए होंगे कोई और चीज आ जाए चलो इसका नाम पी बोला हो ये लो और इसका नाम क्यू बोला हो ये ऐसा ग्राफ मिल जाए आपको कल को वेव्स भी आनी है तो आपको क्या बोला हू रीड्स हू पी रीड्स क्यू ये पता होना चाहिए आपको ठीक है तो नोट करो सर ये क्या लिखे इसका क्या लिखे आप कुछ ना लिखो रफ ये लिखे ना सर इंटीग्रल फॉर मैं कराऊंगा फेज इज बाय पाई बाय लिख दो लिख दो मैं इस पे बहुत डिटेल होने वाली ठीक है फेजेस के बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे आगे पीछे ऊपर नीचे अभी तो नाना करते करते भी हम ओके फाइन मुझे ना समय का अंदाजा दो यार अपना लेक्चर हिसाब से 37 में ठीक है आओ जी बच्चों इसको अब निकल के अब हम एक और थोड़ा फास्ट काम करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब कुछ है ही नहीं है यहां पे अब हेडिंग लिखो एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ ए सिस्टम अब अंग्रेजी में लिखो फंक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एंड ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस Considering particle of motion oscillating along x axis such that its position at any time is given by position देखा कई बच्चे पीछे रहने से तो बड़ी बात सुन रहे हैं अगर आपने दिल से सुना होगा तो सबको याद होगा क्या बोला मैंने को बच्चा रिपीट कर सकता है यस सर considering particle of motion oscillating along x axis such that its x is equal to a sin omega t इस बार फाइंड आउट किया तो हां एनर्जी अब तो अभी क्या एनर्जी ऑफ एस एच एम ये हमने लिखा कंसिडर पार्टिकल मूविंग ऑन दिस Right, and we know its velocities will be equal to omega a cos omega t plus phi naught. M आपने ऊपर लिखा होगा मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ mass of particle and k is force
कॉन्स्टेंट एंड के बाय एन रूट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. फिलहाल क्योंकि आपने मेरी बात मान ली थी, मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ कि वो अलग सी टॉपिक करेगी वो, तो टू बाई टू बाई एफ भी लिख सकते हैं उसको. ये बोला वन पॉइंट इज टू बाई एफ, मैंने के टी लिखा है यहाँ पे और इधर हम बोर्ड में थोड़े चेंजेस, इसको मैं बी टी लिख रहा हूँ और उसको क्या कर रहा हूँ कोई क्लास. ये b as a function of time, ये b as a function of x. इतना ज़्यादा तो बताओ सामने हो. अब मैंने क्या लिखा, kinetic energy as a function of time. क्या लिखा, half m b, कौन सा formula ले t वाला ना. चलो लिखो फिर मेरे पूरी तरह से लिखना. यस जहाँ बैठते हैं ना चूचू बड़ा होता है, इसकी कुर्सी ऐसे होती है. लेक्चर चल रहा था ना, तो उसमें जब तू हिल रहे थे चूचू को लिखा लेक्चर. किसी को ज्यादा आता है किसी को थोड़ा कम आता है, तो आप पढ़ रहे हो लेकिन कोशिश कर रहे हो लेकिन साथ में. तो हाफ एम ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का स्क्वायर के टी विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. इसको दिल रख के देख लो, अच्छी बात होती है. इसी तरह एक ना काइनेटिक एनर्जी से फंक्शन ऑफ एक्स बना सकते हो आप लोग. यस सर, वही पूछ रहे हैं. कब काइनेटिक एनर्जी से फंक्शन ऑफ एक्स हाफ एम बी एक्स का स्क्वायर हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर के एक्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखो जी मैं बड़ी देर बाद बड़ी यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल स्पीड से पढ़ता हूँ मैं. अब देखिए वो एक बार छोटी सी बात होती है बोली जाता हूँ उस पर, आपको कॉन्सेप्ट आप जानते हो, जब पता है सामने है फिर बढ़ा दो स्पीड. राइटिंग थोड़ी गंदी कर लो क्वेश्चन, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग वाला काम ना. हाँ शुरू शुरू में ठीक था, बच्चे तीन तीन चार चार रंग के पेन लेते थे इस बार मेटल बॉक्स पति रह गए. वेरी गुड. अब इसको ना क्या करते हैं, इससे बात कर लेते हैं. इसे दैट इज एट मीन पोजीशन x will be maximum, sorry, kinetic energy will be maximum कितनी half m omega square a square. x को zero कर देंगे, minimum value आएगी उसके लिए, and kinetic energy क्या आएगी maximum. इसे महसूस भी करो, mean position को आती पता ना आपको, center से फिर पूरी speed से उतरता है center से. so at extreme position zero, बताओ kinetic energy कितनी आएगी zero. momentarily क्या करता है वो स्टॉप, स्टॉप लिखता भी हूँ फिर मोमेंटली वर्ड बोलता भी हूँ ना, कोई वहाँ रुका होड़ा रहेगा वापस आ जाएगा, इतना वेला होड़ा बैठा रहेगा वहाँ पे. हाँ बल्कि मैक्सिमम फोर्स लगती है वो एकदम से खींच देता सोचा वापस. अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी, हम उस
डायरेक्शन दी होती है, लेकिन मैं यहाँ वर्ड दूंगा डायरेक्शन को, वो इसमें आप वर्क एनर्जी बार में ऑलरेडी दी है। अगर एक्स और के हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आप के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सीधा ही पर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाले फॉर्म से ला रहा हूँ, कितनी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। याद हो ये देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, कल का याद है कहीं को नहीं याद, डोंट वरी, है ना। तो के बाय एम क्या है ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ गई तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर x आ गया तो दो केसेस बना लो फटाफट, मैं थोड़ा बोलना बंद करता हूँ। दो केस, एक मीन का बना दो, एक एक्सट्रीम का बना दो। ये को दूध पीता बच्चा बता देगा कि x जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे, बट केयरफुली ये वो केस है कि जहाँ पे हम ना ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी नहीं है। ये अभी एक कंपटीशन पार्ट में से बताऊंगा मैं बातें, अभी क्या बता बात कर रहा हूँ, मैंने वर्क एनर्जी आपको पढ़ाया नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है बच्चों यू टू माइनस यू वन इज माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी, राइट। यू इज इक्वल टू यू वन प्लस वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन होगी। अभी हमने क्या किया हुआ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे जीरो बनी तो ही आंसर आता है, ये बात समझ रहे हो। मैं बात भाई बताऊंगा ना, होता है वर्ड निकाल देंगे हम, है इस वक्त बात अलग है। तो एट मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है या जीरो है, होती है, होती है, मानते हैं, मानते हैं इस वक्त है क्योंकि हमने माना हुआ है ओरिजिन पे जीरो, तो जीरो है। बोलो बोलो बोलो, तो ओरिजिन तो कुछ और भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन। मैं अपनी ग्रेविटेशन की एग्जांपल अगर लूँ ना, किसी की दुनिया में जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। इसकी अगर कोई और किसी ने अपना रेफरेंस लिया उससे नीचे है नहीं, कोई जब जब अगर इसको जीरो यहाँ ले लेगा तो उसके लिए नेगेटिव एनर्जी आएगी और ऊपर वाली क्या आएंगी पॉजिटिव एनर्जी। तो पोटेंशियल